बाड़मेर के कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की कार दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 22 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे अचानक पूर्व सांसद की कार अपनी सड़क से नीचे उतरकर दूसरी साइड वाली रोड पर चली जाती है और फिर वहां जाकर दीवार से टकरा जाती है। फोर लेन के हाईवे पर चलते चलते अचानक कार का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी रोड से दाहिनी ओर नीचे उतरकर दूसरी तरफ पहुंच गई। इस हादसे में पूर्व सांसद की दोनों पसलियों, हाथ और डिस्क ज्वाइंट में फ्रैक्चर आया है, जबकि उनकी पत्नी चित्रा सिंह की मौत हो गई। इस हादसे में उनका बेटा भी घायल हुआ है, जिसका इलाज अलवर के एक अस्पताल में चल रहा है। पूर्व सांसद को मंगलवार देर रात ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बेहतर इलाज के लिए गुरुग्राम शिफ्ट किया गया। हादसे के वक्त पूर्व सांसद का ड्राइवर भी कार में मौजूद था, जिसे कोई चोट नहीं आई है। चश्मदीदों ने बताया कि हादसे के वक्त गाड़ी पूर्व सांसद ही चला रहे थे और उनकी पत्नी चित्रा सिंह उनके बगल वाली सीट पर आगे बैठी हुई थी, जबकि ड्राइवर पीछे की सीट पर उनके बेटे के साथ बैठा था। इस घटना के बाद समूचे बाड़मेर में शोक की लहर फैल गई। आपको बता दें कि पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता रहे और अब उनके बेटे और पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह का अपना बड़ा कद है। बिल्कुल, अभी एक सोशल मीडिया पर मैंने वीडियो देखा था, वो संभवतः ऐसी एक्सीडेंट का प्रतीत होता है। उसमें गाड़ी स्पीड से जा रही है और अपने राइट हैंड साइड में जो दोनों रोड्स के बीच में जो खाली जगह होती है डिवाइड, उसमें मूव करती है और सामने जो आपकी पुलिया है उसको जोर से हिट करती है, इतना वीडियो में प्रतीत हो रहा है। और जैसे बात हुई जो इंजर्ड थे उनसे, और उसमें जो प्रोफेशनल ड्राइवर है उसी का चलाना अभी तक पाया गया है, तथापि पूरे बिंदु हम जाँच कर रहे हैं अभी। हाँ, इसमें दो एयरबैग खुलना पाया गया है जो हमारे नॉलेज में आया है, बाकी एयरबैग क्यों नहीं खुले इस संदर्भ में भी टेक्निकल जांच करेंगे पूरी। बिल्कुल नीट वेस्ट यहाँ पर इलाज दिया गया था और फिर जैसे डॉक्टर्स को लगा, उन्होंने उनको पारस हॉस्पिटल है आपके गुड़गांव के पास, वहाँ गुड़गांव में वहाँ रेफर कर दिया गया, वहाँ पर वो रात में पहुँच भी गए थे। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था और जो डेड बॉडी थी वो उनकी जो पेरेंटल जो निवास है वहाँ के लिए रवाना हो गई। बिल्कुल, इस पर कोऑर्डिनेट करने के लिए दो हमने हाईवे मोबाइल लगाई हुई है, वो रेगुलरली मूव कर रही हैं और कहीं कोई वाहन पार्क नहीं हो इसको मॉनिटर करती हैं और नो पार्किंग के चालान बना रही हैं, वो लोगों को गाइड कर रही हैं दोनों तरफ जो टोल्स हैं वहाँ समझाइश कर रही हैं कि आपको किस लेन में चलना है और कितनी स्पीड में चलना है, और तथापि साइनेज भी लगे हुए हैं और साइनेज बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इंटरसेप्टर भी वहाँ लगाता रहती है जो ओवर स्पीड के चालान करती है, और उसमें और हम स्पीड अप करेंगे इस कार में।